हेलो नमस्कार, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल टेक मोटर्स एंड मैं उसविंदु। इंडिया में त्यौहार मतलब फेस्टिवल सीजन आ गया है, तो अभी तो हाँ हमारा जो बंगाली में आ रहा है तो हमारा दुर्गा पूजा, तो इसके लेकर दुर्गा पूजा प्रीति सुरक्षा और अभिनंदन ऑल बंगाली, आई मीन यू एक्चुअल बंगाली, सो ऑल बंगाली दुर्गा पूजा प्रीति सुरक्षा और अभिनंदन। दुर्गा पूजोर विभिन्न ऑफर नहीं एसएससी हमें मिथनापुर आर के होंडा शोरूम में, सो ये शोरूम मिथनापुर में पड़ता है और आप मिथनापुर झाड़ग्राम या बांकुड़ा विष्णुपुर कहीं से भी बिलोंग करते हो तो डेफिनेटली आ सकते हो मिथनापुर आर के होंडा एंड ढेर सारे ऑफर्स वगैरह लेके पूरा फेस्टिवल सीजन में तो आ ही रहा है। एंड आज जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ वो आपको तो मालूम चल ही गया है, होंडा डियो का न्यू कलर ऑप्शन के ऊपर में। सो शोरूम में थोड़ा क्लाउड है, क्लाउड को थोड़ा इग्नोर करते हुए तो शोर शराबा तो आएगा ही। सो ये मेरे पास है होंडा डियो का न्यू कलर वेरियंट, सो आप देख सकते हो स्कूटर का एक नजर लुक एंड आपको ये रेड कलर के साथ आता है। इसका आपको फ्रंट में वही वाइजर वगैरह एंड यहाँ पर डीआरएल वगैरह, यहाँ पर होंडा का लोगो एंड यहाँ पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट स्टेशन का प्लेस एंड नीचे में आपको क्वीन रिफ्लेक्टर टाइप का एलईडी हेडलैम्प सेटअप मिलने वाला है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो रेड के साथ ब्लैक ग्लॉसी में ये आने वाला है, कोई भी मैट वगैरह यूज नहीं किया गया। एंड यहाँ पर दोनों साइड में आपको हेलोजन टाइप का ही टर्न इंडिकेटर यूज किया गया है। एंड इसके नीचे में आप देख सकते हो ग्लॉसी ब्लैक के साथ व्हाइट रेड एंड ब्लैक का जो कॉम्बिनेशन स्टिकरिंग है काफ़ी बढ़िया लगता है दूर से। एंड दोनों टाइप साइड में आपको रिफ्लेक्टर प्रोवाइड किए गए हैं एंड फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक टाइप का सस्पेंशन, उसके साथ साथ 12 इंच का एलॉय व्हील एंड ट्यूबलेस टायर ऑब्वियसली प्रोवाइड करते हैं। उसके साथ साथ आपको फ्रंट का मैं एयर प्रोफाइल बता देता हूँ, तो 12 इंच एलॉय व्हील के साथ आपको 90/90 सेक्शन का टायर मिलने वाला है एंड ड्रम ब्रेक के साथ ऑब्वियसली, एंड इसका डिस्क वेरिएंट भी अवेलेबल है। उसके साथ साथ आपको 120 mm का डाया का ड्रम मिलने वाला है एंड कॉम्बी ब्रेकिंग ऑल्सो ये बाइक सपोर्ट करता है। सो ये हो गया फ्रंट प्रोफाइल एंड साइड प्रोफाइल से मैं आपको इसका लुक दिखाता हूँ। ये लेफ्ट साइड का लुक है एंड आप देख सकते हो एक स्पोर्टी टाइप का आपको डियो, मतलब स्पोर्टी एंड एक्टिव, मतलब थोड़ा सा फैमिलियर टाइप का आपको फील देने वाला है। सो ये आप यहाँ पर देख सकते हो 125 एंड यहाँ पर थोड़ा सा स्पोर्टी टाइप का स्टिकरिंग एंड यहाँ पर पूरा बैक लैंड ये सारा फाइबर का आपको मिलने वाला है। तो ऑब्वियसली क्वालिटी होंडा का है, काफ़ी तो बढ़िया नहीं बोलूँगा, ठीक ठाक ही मैं बोलने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो पजल्स जो है साफ साफ दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पर भी देख सकते हो ये जो फाइबर गैप्स को अच्छे से ये कवर नहीं है। सो यहाँ पर आपको कार्बन फाइबर का स्टिकर यानी यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये फिन्स टाइप का मिलने वाला है जो दूर से इसका लुक को और इन्हेंस करता है। यहाँ पर फुट पैड के नीचे आपको होंडा का लोगो जो कि स्टिकरिंग में दूर से काफ़ी विजुअल होता है एंड यहाँ पर फुट पैड एरिया देख सकते हो। स्कूटर का फुट पैड एरिया इंडिया में कितना काम में आता है ये तो आप लोगों को मालूम ही है। सो यहाँ पर आपका आराम से गैस सिलेंडर, पानी का टैंक वगैरह, मतलब वो बॉटल वगैरह होता है ना, आराम से इसको ले आ सकते हो। एंड यहाँ पर भी आपको हुक मिलने वाला है एंड इस साइड में भी आपको हुक का प्रोवाइड किया गया है जिससे कि आप बैग वगैरह इजीली टांग के ले आ सकते हो। सो उसके साथ साथ इसका सीट दिखा देता हूँ, काफ़ी कंफर्टेबल आपको सीट मिलने वाला है एंड सीट हाइट इसका ऑल्सो 765 का आपको सीट हाइट इसमें प्रोवाइड किया गया है। सीट का कुशनिंग नो डाउट काफ़ी बढ़िया प्रोवाइड किया गया है, सीट को ओपन आप यहीं से कर सकते हो, सीट एंड फ्यूल लिड यहां से ओपन, ये मेरे को पर्सनली अच्छा लगता है क्योंकि बार बार चाबी निकालो यहां पर घुसाओ ये एक लेंदी प्रोसेस हो जाता है। सो चाबी ऑन करके सीट का नीचे में आपको प्रेस करना पड़ेगा। सो स्कूटर में सीट आप देख सकते हो, सीट के यहाँ पर आपको जो रेंज वगैरह मिल जाएगा जिससे आप खुद का स्कूटर का मैकेनिक खुद ही हो सकते हो एंड यहाँ पर आपको मेडिकिट वगैरह एंड यहाँ पर आपको 30 लीटर का गुड पेस जो कि एक हेलमेट इजीली आ जाएगा। उसके साथ साथ थोड़ा बहुत सॉफ्टिंग बफिंग करोगे तो उसमें सामान आ जाएगा एंड यहाँ पर देख सकते हो प्लेस। सो ये प्लेस आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा जुपिटर जैसा, तो यहीं पर ही आपको फ्यूल लिड मिल जाएगा, यहाँ से आपको ओपन कर सकते हो। 5.3 लीटर का आपको यहाँ पर फ्यूल लिड मिलने वाला है एंड E20 फ्यूल को ऑब्वियसली बाइक सपोर्ट, स्कूटर सपोर्ट करता है। सो आप इसका लेफ्ट साइड में देख सकते हो यहाँ पर होंडा डियो का बड़ा बड़ा स्टिकरिंग एंड उसके साथ साथ यहाँ पर व्हाइट एंड स्पोर्टी रेड के साथ ब्लैक में कलर काफ़ी अच्छा आपको प्रोवाइड करने वाला है। यहाँ पर ESP टेक्नोलॉजी एंड उसका आपको लोगो वगैरह प्रोवाइड किया गया है। सो पीछे से आप इसका लुक देख सकते हो, यहाँ पर दोनों साइड में ग्रैप रेल स्प्लिट टाइप का ही मिलने वाला है जो कि रेड कलर में दूर से काफ़ी विजुअल होता है, काफ़ी हाईलाइट होता है ये स्कूटर। सो पीछे में आपको ऑयल स्प्रिंग लोडेड एक ही सस्पेंशन मिलने वाला है एंड पीछे से आप लुक देख सकते हो, दोनों साइड में आपको टर्न इंडिकेटर हेलोजन में एंड या हेलोजन में ही आपको पीछे का बैकलाइट भी मिलने वाला है। ऑब्वियसली लुक काफ़ी अच्छा इसका पीछे से मेरे को पर्सनली लगता है, आप लोग आपका हिसाब से बताना। एंड यहाँ पर भी आप देख सकते हो, सो नंबर प्लेट स्टेशन का प्लेस एंड पीछे का पोर्शन एंड यहाँ पर आप मफलर के ऊपर में स्टील का मफलर गार्ड मिलने वाला है, ट्विन मफलर सेटअप एंड ये हो गया आपका एग्जॉस्ट सिस्टम। तो राइट साइड का आप लुक देख सकते हो सेम लेफ्ट साइड जैसा ही एंड उसके साथ साथ यहाँ पर आपको थोड़ा कार्बन फाइबर का स्टिकरिंग वगैरह जिससे कि यहाँ पर आप अपने पैर वैर लग के यहाँ पर
इसका कलर डैमेज ना हो एंड यहाँ पर जो पिलियन फुटरेस्ट एल्यूमिनियम के साथ साथ व्हाइट कलर में काफी अच्छा डिजाइन के साथ प्रीमियमनेस के साथ मिलने वाला है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा फिन्स वगैरह काफी बढ़िया आपको क्वालिटी, मैं तो ऑब्वियसली बात पहले ही बोल दिया हूँ नहीं मिलने वाला, लेकिन ठीक ठाक मिलने वाला है। एंड उसके साथ साथ यहाँ पर सेंटर स्टैंड भी आपको ऑब्वियसली प्रोवाइड किया गया है एंड इसका आपको ग्राउंड क्लियरेंस 160 mm का मिलने वाला है जो कि इंडियन रोड के हिसाब से बहुत अच्छा है। सो पीछे में आप देख सकते हो यहाँ पर 10 इंच का एलॉय व्हील के साथ आपको पीछे का टायर मिलने वाला है एंड उसके साथ साथ आपको 90/100 सेक्शन का पीछे का टायर मिलने वाला है। सो फ्रंट में आपको 12 इंच एंड रियर में आपको 10 इंच, जो कि मेरे हिसाब से ये कॉस्ट कटिंग हो गया क्योंकि टायर जितना बड़ा बैलेंसिंग उतना अच्छा मिलता है। सो इसमें आपको किक का भी ऑप्शन दिया गया है जिससे कि आप इसको किक वगैरह मार के इजीली जा सकते हो। आज के डेट में स्कूटर में तो एंड बाइक में मिसिंग देखने को मिलता है। सो यहाँ पर होंडा का लोगो एंड इसका इंजन की बात करूँ तो इसमें आपको 125 cc का इंजन प्रोवाइड करने वाला है, 4-stroke SI फ्यूल इंजेक्टर एयर कूल्ड BS6 Phase 2 ऑब्वियसली E20 फ्यूल को सपोर्ट करता है। एंड एयर कूल्ड मतलब बोले तो यहाँ पर आप फैन देख सकते हो, फैन कूल्ड होता है बेसिकली। सो 6.9 किलोवाट का पावर एंड उसके साथ साथ 10 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो कि काफ़ी अच्छा होता है 125 cc सेगमेंट के हिसाब से। जो इसका पावर वगैरह तो मैं इसमें बोलूँगा ठीक ठाक ही दिया है एंड सडन स्पीड वगैरह एंड होंडा का इंजन कितना रिलायबल है ये तो आपको मालूम चल ही गया कोई भी आप होंडा का प्रोडक्ट यूज़ करते हो तो। सो मेन बात करता हूँ इसमें आप देख सकते हो ये वाला जो पोर्सन है इसमें भी आपको एक फाइबर का गार्ड दिया गया है जिससे कि आपको कीचड़ वगैरह डायरेक्टली अंदर ना जाए। सो उसके साथ साथ आप देख सकते हो इस बाइक का आपको टॉप स्पीड लगभग 120 तक जा, उतना तो नहीं जाएगा 115 तक तो ये बाइक आराम से चला जाएगा। सो इसमें जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यूज़ किया गया है फुल डिजिटल टाइप का ट्विन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यूज़ किया गया है जो कि बैटरी कनेक्शन नहीं इसलिए नहीं दिखा पा रहा हूँ। सो यहाँ पर दोनों साइड में टर्न इंडिकेटर, यहाँ पर इको का लाइट एंड यहाँ पर मतलब एक डिसेंट सा फीचर्स इसमें प्रोवाइड किया गया है। स्विच का क्वालिटी आपको काफ़ी अच्छा मिलने वाला है, इंटीग्रेटेड एक ही स्विच में पासिंग एंड हाई बीम लो बीम एंड इसके टर्न इंडिकेटर हॉर्न। तो राइट साइड में आपको इंजन आपको ये तो एक ही स्विच में इंजन स्टार्ट का एंड यहाँ पर स्मार्ट इग्निशन मतलब ये ऑन रहेगा तो आपको लगभग 7 सेकंड में इंजन बंद हो जाएगा, फिर आपको ब्रेक करके एक्सेलरेट करने से ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। सो ये फीचर्स भी होंडा ड्यू में तो दे दिया, सो गुड। एंड अब बात करते हैं इसका प्राइसिंग के ऊपर में। सो इसका बेस मॉडल स्टार्ट होता है जो कि आपको मेदनापुर आरके होंडा का मैं प्राइस बताने वाला हूँ। सो यहाँ पर देख सकते हो बेस मॉडल आपको लगभग 1,03,885 रुपीज़ तक आ जाएगा एंड इसका टॉप मॉडल जिसमें आपको डिस्क वगैरह भी अवेलेबल किए गए हैं वो मॉडल आपको 1,12,119 रुपीज़ तक आ जाएगा। सो पर्टिकुलर इस मॉडल का प्राइस भी आपको लगभग 1,05,000 तक ही पड़ने वाला है। तो प्राइस वगैरह हर दिन हर रोज चेंज होता है। सो आप कमेंट में प्लीज़ मेरे को ईएमआई वगैरह के बारे में मत पूछिए क्योंकि ईएमआई डिपेंड करता है आपका सिविल स्कोर, आपका डाउन पेमेंट कितना है, उसके साथ साथ आपका कितना साल का है, वो सब मैटर करता है। सो इसीलिए आप ईएमआई वगैरह पूछेंगे तो मेरे लेकर मुश्किल हो जाएगा। तो अब बात में बोलेंगे तो मैं फाइनेंसर का जो ईएमआई वगैरह होता है जो फाइनेंसर से मैं एक ओपनली वीडियो लाने वाला हूँ। सो यही था आज का वीडियो एंड फिर से मैं बोलता हूँ जो हमारा दुर्गा पूजा का प्रीति सुरक्षा और अभिनंदन। एंड दुर्गा पूजा तो आचे ही माने कस्टमर तो चाप आचे ही सो शोरूमे और तार संगे अपनारा पाबेन अनेक धरनेर अफार गिफ्ट वगैरह। तो गिफ्टगुलो अपनारा देखते पाच्छेन और तार संगे मेदनापुर खड़गपुर शालबनी विष्णुपुर बाँकुड़ा झाड़ग्राम वगैरह आप इन सबसे बिलोंग करते हो तो डेफिनेटली आ सकते हो मेदनापुर आर के होंडा। वीडियो को और ना लॉन्ग करते हुए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट कोई रिव्यू के ऊपर कोई बाइक या स्कूटर का। सो थैंक यू।